हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बना करके दिया था कि वो बहुत सारे महंगे कॉइन्स थे और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो छोटे कॉइन्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कॉइन हो सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, उस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाते हैं हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़, कॉइन के रिव्यूज़ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दो तीन फेज़ की तरीके से हम कॉइन बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट अच्छे हो सकते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई लॉस हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की स्टडी और रिसर्च है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी ज़रूर एक बार कीजिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले कॉइन की बात करें जो बहुत ही सस्ता कॉइन है, वो स्टॉर्म कॉइन है, STORM स्टॉर्म कॉइन है। अभी लगभग 120 सतोसी के आसपास है, और इसको कोशिश करिए आपकी 110 सतोसी से लेकर के 125 सतोसी के बीच में बाई कीजिए दो चार फेज़ में। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा कॉइन है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर मैं इजीली बात करूं यहां से, तो आपको 500-600 सतोसी जा सकता है, बाकी 1000-1500-1200 सतोसी भी जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटी इसकी है, कैपेबिलिटी है इस कॉइन की। अगर हम उसके बाद दूसरे कॉइन की बात करें, तो दूसरा कॉइन है हमारे पोर्टफोलियो में पुंडीएक्स। पुंडीएक्स बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये छोटा कॉइन है, 10-20-25 सतोसी का कॉइन है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये स्टार्टिंग फेज है, बहुत ही कम रेट है इस कॉइन का। तो आप क्या करेंगे, अभी बाई कर लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी मंथली, और वो कॉइन ही मिलते हैं, और दिसंबर तक ये ऑफ़र है खाली कंपनी की तरफ से। तो आप 7% पर मंथ आप उठा सकते हैं इसका लाभ, क्योंकि 3-4 महीने अभी बचे हैं, और 7% तो आपका ऑलरेडी, जैसे अगर 1000 कॉइन ख़रीदते हैं तो आपका 1500 कॉइन तो ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा कॉइन है ये पुंडीएक्स। और भी इनके जो मेन खास बात है फ्रेंड्स, कि ये चाहते हैं कि जो भी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस से लोग बाई सेल करते हैं, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ से पैसे डिपॉजिट करो, बाई करो, बहुत सारा काम होता है, प्रोसेस लगता है, टाइम भी लग जाता है। तो ये अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ला रहे हैं जिसका नाम है XPOX, मतलब XPOS जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी। जैसे हम कोई भी मशीन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे कैश ले लेते हैं या कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो सेम जो डिवाइसेस होंगे वो पूरे वर्ल्ड में ये फैला रहे हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दूसरा पुंडीएक्स हो गया। अगर हम तीसरे कॉइन की बात करें, तो NKS है, न्यूक्लियस विज़न। मैंने 250-300 सतोसी पे बाई करवाया, 550 गया। अब आपने सेल किया कि नहीं सेल किया, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर अभी फिर से लगभग 80 से 90 सतोसी के बीच में चल रहा है, तो आप इसको भी पिकअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और ये जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनको टाइप करने की सोच रहे हैं, और टाइप भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप भी हो रही हैं, और जो इंडिया की कंपनी है Paytm उनसे भी टाइप करने के लिए सोच रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर इसका हो सकता है मे बी, तो इसमें भी आप इंटर ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको साबित हो सकता है। अब उसके बाद मैं कुछ कॉइन मैं ऐसे बताऊंगा जो 2-4 महीने 6 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फ्यूचर में स्कैम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको मत इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले कॉइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो BCN कॉइन है, बाइट कॉइन। आपको पता है बाइट कॉइन भी लगभग 20-25 सतोसी के आसपास चल रहा है, तो उसको आप पिकअप कीजिए। आप 50-60 सतोसी, 80 सतोसी, 100 सतोसी पर इसको सेल कर सकते हैं। तो ये BCN कॉइन है एक। और अगर हम उसके बाद में बात करें, तो और उसके बाद में अगर हम कॉइन की बात करें, तो सिया कॉइन है, आप उसको पिकअप पिछले साल ही, ये 50-60 सतोसी का कॉइन था, बहुत ही कम रेट था, और 400-500 सतोसी को चेक वहाँ पर पहुँच करके आया है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। और सिया कॉइन एक एवरेज कॉइन है, बहुत ना तो बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है और ना ही बेकार प्रोजेक्ट है। तो आप सिया कॉइन में इंटर करके अभी 80-90 सतोसी के आसपास आप लोग रेट ज़रूर देख लीजिएगा, उसको बाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 3x 2x बहुत इजीली दे देगा, बाकी 5x तक भी दे सकता है प्रॉफिट। तो सिया कॉइन की रही बात। और उसके बाद बात करते हैं हम
और लास्ट कॉइन जो है फ्रेंड्स वो है होलो चेन। होलो चेन एक बहुत ही नया प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी वाला कॉइन है। भले ही 8-9 सतोशी के आसपास इसका रेट चल रहा है, बट ये कॉइन बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तब भी इसमें कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में 20-25-50 सतोशी तक ये जा सकता है कॉइन, क्योंकि ये भी अच्छा है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ 6-7 कॉइन आपको मैंने शॉर्ट रिव्यू बता दिया। और अगर आपको इन वीडियो में से कोई भी कॉइन का रिव्यू चाहिए, फुल रिव्यू फुल डिटेल चाहिए, तो वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप। तो फ्रेंड्स आज मैंने लाइव वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।